अभी आप अनंत ग्रंथ का पाठ सुन रहे थे। कुछ प्रश्न हैं संगत की तरफ से। उत्तराखंड से हैं देवपुत्री रश्मि चौहान। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम, शुभमस्तु। कल गुरुदेव जी आपने बताया कि हमें 40 दिन के कल्प को पूरा करना चाहिए। जो महिलाएं 40 दिन से पहले ही अपवित्र हो जाती हैं, ऐसे में महिलाएं 40 दिन के कल्प को कैसे पूरा कर सकती हैं, कृपया बताएं। बहुत बार इस विषय में हमने बताया है, जो प्राकृतिक अवस्थाएं हैं हमारे शरीर में, उनसे आत्मिक शुद्धता अशुद्धता का कोई संबंध खास नहीं है। शारीरिक है, मानसिक है। आत्मा हमेशा ही परमात्मा की तरफ उन्मुख रहती है। और इसके विषय में महादेव शिव ने कहा है, किसी भी अवस्था में तुम हो, केवल महिलाएं ही नहीं पुरुष भी। आप देखिए, कोई बीमार पड़ जाते हैं, कोई बुजुर्ग हैं या कोई नव युवक है और बीमार हो गए और लंबी बीमारी, और उनको बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है, गंदगी भी है, स्नान भी नहीं कर सकते, बहुत सी चीजें। लेकिन ऐसी हालत में इंसान का हृदय और उसकी जिभ्या पवित्र मानी जाती है, कुल्ला कर सकते हैं। अगर कुल्ला करने को भी मुंह नहीं खुलता, इतनी हालत खराब हो गई, तो किसी भी अवस्था में, उसी अवस्था में हम परमेश्वर का सिमरन अवश्य करें, कर सकते हैं। और वो सिमरन चिंतन उस परमात्मा को स्वीकार होता है। तो इसमें ऐसा ना समझें कि ये पवित्रता होती और ये होता है, वो होता है। स्वच्छता रखें, पवित्रता रखें, किंतु हृदय और जिभ्या ये दोनों हमेशा पवित्र मानी गई। इसलिए आप बगैर किसी शंका और परेशानी के हर समय परमेश्वर का ध्यान और उसका नाम ले सकते हैं।